नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज प्रोडक्टिव थर्सडे में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी मंथली ग्रोसरी की शॉपिंग की प्लानिंग करें। इस तरीके से अगर आप प्लान करती हैं तो ना तो सिर्फ आपकी जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो बजट फ्रेंडली होगी, बल्कि महीने के बीच बीच में आपको मार्केट की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, यूजफुल लगे, तो इसे एक थम्स अप जरूर दे दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करती हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द पैंट्री एंड क्लीन द एम्प्टी कंटेनर्स फॉर फ्रेश स्टोरेज। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कौन सा सामान ऑलमोस्ट खत्म होने को है, उसे आप किसी दूसरे छोटे जार में ट्रांसफर कर लीजिए ताकि जो बड़ा जार है वो फ्रेश स्टोरेज के लिए तैयार रहे। तो इसी तरह से यहाँ मैं बचे खुचे सामान को छोटे कंटेनर्स में खाली कर रही हूँ, जैसे कि ये फरसान कह लीजिए या स्नैक्स या मिक्सचर, जो वो इस जार के लिए बहुत कम क्वांटिटी में है, तो इसे मैं इस तरीके से छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और जो ये डब्बा है ये मैं धोने के लिए रख दूँगी। ये चना दाल है, ये दो तीन दिन में और यूज़ हो ही जाएगा, तो इसे मैं डब्बे में ना डाल के इस तरह के पॉलीथिन बैग में डाल रही हूँ। और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के बॉटल्स आते हैं उनका जो कैप वाला पोर्शन होता है उसे मैंने इस तरीके से काट लिया है और वो जो पॉलीथिन बैग है उसे मैं इसके अंदर डाल के ऊपर से कैप लगा के इसे टाइट से बंद कर दूंगी इस तरीके से। ऐसा करने से ये जो दाल है अंदर उसमें हवा भी नहीं लगेगी और दाल बाहर गिरेगा भी नहीं। सो यू कैन ट्राई आउट दिस मेथड। और जो आप नई दाल लाएंगी फ्रेश, वो इस पुरानी दाल के साथ मिक्स नहीं होगी और आप एज इट इज इसको उसी कंटेनर में उसी बॉटल में रख सकती हैं। तो इसी तरह से मैं सारे बॉटल्स जो थोड़े थोड़े चीज़ों वाली हैं उसे खाली कर लूँगी और नेक्स्ट स्टेप है इसे धोने का। तो ये सारे बॉटल को मैंने धो लिया है और धूप में सूखने के लिए रख दी हूँ और थोड़ी देर बाद ये बॉटल सूख गए, तो इन्हें मैं उठा के अंदर रख ली हूँ और ये बॉटल्स बिल्कुल तैयार हैं। थर्ड स्टेप इज टू प्रिपेयर द ग्रोसरी लिस्ट। और ग्रोसरी लिस्ट मैं अपने तरीके से बना कर रखती हूँ कंप्यूटर पे। ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है अपने बेटे के हेल्प से और ये लिस्ट मैं दो सेट प्रिपेयर करती हूँ, एक दिसंबर टू मई तक और दूसरा जून टू नवंबर तक। और इस तरह के मैंने पांच शीट्स तैयार किए हैं अलग अलग कैटेगरीज में और ये शीट्स मैंने लगाया है अपने पैंट्री कैबिनेट के डोर पे। तो ये लिस्ट का जो डिटेलिंग है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल तो लिस्ट तैयार है। तो चलिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। चूँकि मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ इसलिए मैंने ग्रॉसरी का लिस्ट एक डायरी में नोट करके कैरी कर रही हूँ। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आई प्रेफर दीज लोकल किराना शॉप्स ओवर डिपार्टमेंटल स्टोर्स टू डू माई ग्रॉसरी शॉपिंग, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो चीज़ों को ढूंढने में आसानी होती है। और अगर आप खुद से ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो जो दुकान के स्टाफ होते हैं वो आपकी मदद कर देते हैं चीज़ों को इकट्ठा करने में, आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है। और आजकल ये लोकल किराना शॉप भी बहुत मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जितना क्वांटिटी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, अगर आपको 250 ग्राम्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल रहता है। और बिलिंग बहुत इजी होती है, कोई क्यू में नहीं लगना पड़ता है और जो सामान अवेलेबल नहीं है उसका वो होम डिलीवरी कर देते हैं और जो शॉप के स्टाफ होते हैं वो सामान को गाड़ी में लोड भी कर देते हैं। तो ये थी मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग। मैं घर आ गई हूँ, बारिश होने वाली है, आपको सुनाई दे रहा है। ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए मैं दोपहर का वक्त चुनती हूँ ताकि मैं वापस आके चीज़ों को आसानी से उनकी जगह पे अरेंज कर सकूँ, काफ़ी टाइम रहता है दोपहर को। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बनाई गई शॉपिंग लिस्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको।
तो सबसे पहले जो है वो ग्रेन्स का कैटेगरी है, और ग्रेन्स में जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, और यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिखती हूँ, यहाँ पे प्राइस लिखती हूँ, और ये जो है ये मंथ्स हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी मैं लिखती हूँ कि जून में मैंने 5 kg लिया था और उसका प्राइस इतना था। तो फिर मैं जुलाई में अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं टिक करूँगी और पेंसिल यूज़ करूँगी, पेन नहीं, और फिर उसका अगर दाम में कोई चेंज आया है प्राइस में तो इसे मिटाकर वो प्राइस वहाँ लिख दूँगी। तो वो जुलाई का प्राइस हो गया, और क्वांटिटी भी मिटा के जो जुलाई में जो भी क्वांटिटी मुझे चाहिए वो मैं लिख दूँगी। तो इस जून के मंथ में मुझे आटा चाहिए था, लेकिन चावल मेरे पास है ऑलरेडी स्टोर्ड, तो वो मैं नहीं लूँगी। चना दाल लूँगी, मूंग दाल लूँगी, और नीचे ये सब लूँगी, जैसे कि काबली चना, काला चना, राजमा और मूंगफली। और ये मैंने टिक किया था, और जब मैं शॉपिंग करके वापस आई तब मैंने उनका प्राइस यहाँ पे लिखा है, और ये क्वांटिटी भी जाने से पहले ही नोट किया था कि ये क्वांटिटी चाहिए और ये आइटम्स चाहिए मुझे जून में। तो इस तरह से मैं प्लानिंग करती हूँ। और यहाँ पे चूँकि मेरा पैंट्री है तो इसलिए मैं यहाँ से देखते जाती हूँ कि क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए और कितना चाहिए। अगर पहले से है तो उसी हिसाब से मैं क्वांटिटी यहाँ पे लिखती हूँ। और दूसरा जो लिस्ट है वो है स्पाइसेस और सॉसेस का। तो इस तरह से जो मसाले होते हैं उनका भी मैंने इसी तरह से प्लानिंग किया है कि कोई मसाला मुझे 200 ग्राम्स चाहिए, कोई 50 ग्राम्स चाहिए, और कौन कौन से मसाले चाहिए। जैसे कि पाव भाजी मसाला और सांभर मसाला रेगुलरली यूज़ नहीं होता है, या वाइट पेपर या चाट मसाला वगैरह, तो वो ऑलरेडी मेरे पास था इसलिए उसको मैंने यहाँ पे स्टिक नहीं किया है। ब्रुकबॉर्न नेचुरल केयर टी जो है वो मुझे 250 ग्राम्स ही चाहिए था इस मंथ में। हम लोग ज़्यादा चाय वैसे भी नहीं पीते हैं, मैं तो खैर पीती ही नहीं हूँ, तो उसका जो दाम था जून में वो मैंने यहाँ लिखा है। जुलाई में जब शॉपिंग करूँगी तो ये अगर सेम दाम रहा तो ठीक है, नहीं तो इसे इरेज करके, चूँकि पेंसिल से लिखा है, इसे इरेज करके जो करंट प्राइस रहेगा वो मैं यहाँ लिख दूँगी इस तरीके से। और फिर जो नेक्स्ट है वो टॉयलेट्रीज का लिस्ट है। तो इस तरह से जो बर्तन बार है, एक्सेल बार है, लाइजॉल फ्लोर क्लीनर है, हार्पिक टॉयलेट क्लीनर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, सनस्क्रीन, काजल, मॉइस्चराइज़र, ओल्ड स्पाइस, टूथब्रश है, स्प्रे, गुड नाइट डेटॉल, लिक्विड सोप वगैरह वगैरह जितने भी रहते हैं। शायद इसमें मैंने 2 शीट्स यूज़ किए हैं, तो इस तरफ भी है, जैसे कि वाइप्स है, कॉलिन है, ड्रेनेक्स है, ईजी डिटर्जेंट है जो कि जनरली विंटर्स में यूज़ होते हैं, वैसे यहाँ उतनी सर्दी तो पड़ती नहीं है तो कम यूज़ होते हैं, क्लिंग फिल्म है, एल्युमिनियम फॉइल है, ब्लीच है। तो इस तरीके से इसको मैंने प्लान किया है। नेक्स्ट जो है वो ऑयल्स है, जैसे कि रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, घी है, पूजा के लिए अलग घी, और ऐसे अमूल घी है, लेकिन चूँकि मैं घर में घी बनाती हूँ तो ये लिख लिया है मैंने, लेकिन ज़्यादा ये मैं लाती नहीं हूँ। अमूल बटर है, अमूल चीज़ है, चीज़ स्प्रेड है। तो इस महीने में मुझे चीज़ स्प्रेड नहीं चाहिए था, और पूजा का घी भी अभी तक है इसलिए मैंने उसे नहीं लिया है। तो इस तरह से बना लेने से इजी रहता है। ये स्पाइसेस वाला जो है ये भी 2 है, और उसके नीचे जो है वो है निकनाश, जैसे कि अगरबत्ती हो गया, चूड़ा या पोहे हो गया, मुरमुरे हो गया, पापड़, स्नैक्स वगैरह हो गया, या दिया की बत्ती हो गई, या झाड़ू हो गया। तो ये सारी चीज़ें, मतलब घर में आपको जो भी एसेंशियल्स है मंथली या फिर बाय मंथली आपको काम में आने वाला है, वो सारी लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स यहाँ मौजूद है। मैं उसी को देख के वेरी इजली मैं शॉपिंग करती हूँ, और कोई चीज़ भी मिस आउट नहीं होता है। और इस तरीके से फिर वेस्टेज भी नहीं होता है, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा ले आते हैं तो वो पड़े पड़े या तो ख़राब हो जाते हैं या एक्सपायरी डेट आ जाता है उनका, तो
ओवर शॉपिंग ना हो उसके लिए इस तरह का लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मेरा इस मंथ का जो बजट था, बजट नहीं, इस मंथ का जो एक्सपेंस था ग्रॉसरी का, वो इतना हुआ था 4,416, लेकिन वो डिस्काउंट वगैरह करके 4,100 आया है जून के महीने में। दिस इज इन द मंथ ऑफ जून। तो जुलाई में मैं देख लूँगी कि मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी ग्रॉसरी आई और कितना बढ़ा या घटा। तो दिस वे यू कैन प्लान योर बजट इन अ वेरी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट मैनर। तो चलिए अब ग्रॉसरी को स्टोर कर लेती हूँ। इस तरीके से धुले हुए 3-in-1 जार में मैं ये राजमा, छोले और चना डाल रही हूँ। चूँकि मेरे पास ग्लास जार खाली नहीं था इसलिए मैं प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे पदार्थों के लिए ग्लास जार ही चूज़ कीजिए। और चूँकि मेरा जो स्टोरेज था बहुत कम था इसलिए मैंने ये प्लास्टिक यूज़ किया। और दूसरे में चना दाल रख रही हूँ तो जो बचा हुआ था उसे भी मैंने उसी बॉटल में डाल दिया। और यहाँ हल्दी स्टोर कर रही हूँ। ये हल्दी का पैकेट का जो स्लिट है मैंने छोटा सा काटा था और फिर उसे इस तरह से फोल्ड करके स्टेपल कर दूंगी ताकि ये ख़राब ना हो और गिरे नहीं बाहर। और फिर चम्मच डाल दिया है, लेबल लगा हुआ है हल्दी का, तो इस तरह से इसे रखा है। सिमिलरली मैदा में भी चम्मच डाल के, और बॉटल लेबल्ड है। और फिर सब्जी मसाला को इस तरह से बॉटल में डाल रही हूँ और जो पैकेट है उसी का लेबल मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चम्मच के साथ, कि अगर कैप थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो भी पता रहे कि उसके अंदर सब्जी मसाला है। और यहाँ मैं इन बास्केट्स में जो स्टोर करने वाला सामान होता है एक्स्ट्रा जो लाती हूँ वो रखती हूँ। कुछ खड़े मसाले हैं, कुछ पाउडर मसाले हैं, ये सेंधा नमक है या रॉक सॉल्ट, और उसके बगल में मैंने रखा है इलायची पाउडर इस तरह से। और इसके बगल में सारे मसाले हैं, पाउडर वाले मसाले, तेजपत्ता, और इसमें बेसन है, सूजी है, सॉल्ट है, वर्मिसली है। तो इन सब बास्केट्स में मेरे सारे एक्स्ट्रा स्टोरेज वाले आइटम्स आ जाते हैं। और मेरा पैंट्री इतना ही बड़ा है, मैं ज़्यादा ओवर स्टोरेज कभी नहीं करती हूँ, लॉकडाउन था तब भी नहीं। और साइड में मैंने पेपर रोल्स रखे हैं, बटर पेपर और क्लिंग फिल्म वगैरह, और फिर अपनी रेसिपी की डायरी भी रखा है बगल में। तो टॉयलेटरी और कॉस्मेटिक्स मैं बाथरूम के कैबिनेट में रखती हूँ, और जो कुछ सामान होते हैं वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, जैसे कि सॉस हो गया, विनेगर हो गया, या फिर कंडेंस्ड मिल्क, या क्रीम, फ्रेश क्रीम जो होते हैं वो सब चीज़ें मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, या पिकल्स हो गए, अचार को भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और जो ग्रेन्स ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं उनको मैं इस तरह के स्टील डब्बे में रखती हूँ, जैसे कि चावल, आटा और चीनी वगैरह। तो इसमें मैंने दोनों तरह के चावल रखे हैं, बॉयल्ड राइस और अरवा चावल या अम्बे मोर आप कह लीजिए, ताकि मुझे कन्वीनियंट रहे, एक ही डब्बे से दोनों चावल मिल जाएंगे और जगह भी कम लगेंगे। और इसके बगल में आटा है जो कि अभी चल रहा है, तो जो नया मैं लाई हूँ पैकेट वो मैंने अंडर सिंक कैबिनेट में रखा है। और इसके बगल में चीनी है, चीनी पिछली बार मुझे पैकेट वाला नहीं मिला था तो थोड़ा सा मैंने इस तरह से ले लिया था, और इस बार फिर पैकेट वाला चीनी मिल गया तो वो भी मैं यहीं स्टोर करती हूँ। देखिए, आप ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करें ताकि वो कन्वीनियंट हो, सिर्फ देखने में सुंदर लगे वो ऑर्गेनाइजेशन में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। इट शुड बी फीजिबल एंड इट शुड बी कन्वीनियंट टू ऑपरेट। तो इस तरह से मैं अपना पैंट्री ऑर्गेनाइज करती हूँ। और ये बगल में आप देख सकते हैं फ्रिज में जो है वो एक्चुअली मेरा डेली मील प्लानर है, उसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरह से आप अपनी मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग की प्लानिंग कर सकती हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।